Pashupati Paras, chief of Rashtriya Lok Janatashakti Party, expressed disappointment over the party's treatment in 2024 Lok Sabha elections, stating that they did not receive justice when five of their leaders were denied tickets. He emphasized that the party's commitment to national interest by supporting Prime Minister Narendra Modi and NDA despite those setbacks. Looking ahead to 2025 Bihar Assembly elections, Paras asserted that the need for the NDA to grant tickets to winnable candidates from his party, while he indicated a preference to remain in the NDA landlines. He warned if their demands are not met, they would reconsider their position after a party meeting. इसका चुनाव हम नहीं चाहते हैं कि 2024 की पुनरावृत्ति हो. नटसेल में आपको बता रहे हैं कि 2024 में हम पांच सांसद थे, हमारी पार्टी के पांच सांसद हम लोग थे और पांचों सांसद का टिकट काट दिया गया. कारण मैं नहीं जानता हूं कि क्या कारण था, जबकि हम लोगों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था. और जो बिहार से रिपोर्ट मंगाया गया, कुछ स्वार्थी तत्व गलत रिपोर्ट यहां से भिजवा दिया पैसा वैसा खर्च करके, और हम लोग की पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ. क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इस कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है, आपत्ति नहीं है कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है. तीन हम लोग दलित के सांसद थे, फिर भी हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ. लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में हम लोगों ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है. उसमें ये तय हुआ, सब समिति से हम लोगों ने तय कराया कि व्यक्तिगत हित और पार्टी के हित को माइनस करो और राष्ट्र हित और देश के हित की बात करो. अभी नरेंद्र मोदी जी देश के सम्मान नेता हैं, विश्व स्तर के सम्मान नेता हैं. इसलिए देश की पुकार है कि तीसरी बार भी एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने. इसलिए व्यक्तिगत हित को हम लोगों ने माइनस किया और माइनस करके हम लोग एनडीए गठबंधन को साथ लिए. अब 2025 का चुनाव है, तो आज से तीन महीना पहले हम लोगों ने फिर बैठक बुलाई थी और हम लोगों ने केंद्र की एनडीए सरकार को भी हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो अधिकार है, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के हिसाब से जो जिताऊ उम्मीदवार है मेरे पास में, आप उसको टिकट दीजिए. यदि 2025 में सम्मानजनक समझौता हुआ, सम्मानजनक हम लोगों को सीट मिला, हम लोग पहला च्वाइस, हम लोगों का फर्स्ट च्वाइस है एनडीए गठबंधन. क्योंकि हम लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं, देश के हित के लिए विश्व स्तर के सबसे बड़े नेता हैं. तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत रहे हैं. यदि कोई विशेष परिस्थिति होगी तब हम लोग पूरे देश के जो हमारा पार्टी का संगठन है, हम वर्कर्स को बुलाएंगे. वर्कर्स को बुलाने के बाद जो वर्कर्स की राय होगी उस पर हम लोग फैसला लेंगे. क्या 243 सीट पर लड़ सकते हैं? देखिए, 2025 का चुनाव हम नहीं चाहते हैं कि 2024 की पुनरावृत्ति हो. नटसेल में आपको बता रहे हैं कि 2024 में